पर जितने भी हमारे क्रांतिकारी बैठे हैं, ये सब देश की आवाज़ हैं। आप सब पूरे हिंदुस्तान जो यहाँ मंच पर आया है, ये पूरा हिंदुस्तान, ये एक पूरा मंच, एक पंडाल है। इन सबको हमारा सभी का और सभी क्रांतिकारियों का पूरी तरह से क्रांतिकारी लाल सलाम। जनता अच्छी तरह से जागरूक हो चुकी है। आजादी के 63 साल के बाद मैं समझती हूं कि मैं अपनी आंखों से एक सही आजादी की लड़ाई देख रही हूं। हमने किताबों में पढ़ा था कि राजा और महाराजा और दामन और तानाशाही और गुंडा लोग हमारे देश पर आकर के कुछ दिनों जिस तरह से कबीलों और मैदानों और रियासतों को उन्हीं ने कुचला, लेकिन इस देश में जो इस देश की पूरी बुनियादी परंपरा है, बुनियादी संस्कृति है कि दीवारें तोड़ दो और आंगन बना दो, दूरियां कम कर दो और सबके दिल जोड़ दो, वही आज फिर से शुरू होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से आज ये आंदोलन शुरू हुआ है, हर वर्ग और हर समुदाय के लोगों ने इसको अपने हाथ में क्रांतिकारी का एक झंडा, एक मशाल ले लिया है। जैसे अभी एक अभी शायर ने कहा कि हर दिल को एक ज्वाला बना दो, हर दिल को एक ज्योति बना दो। अब जरूरी है कि अब हमको एक एक बच्चा अपनी माओं की गोदों से निकाल करके इस देश की दूसरी आजादी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए और गैर बराबरी के लिए लड़ना पड़ेगा। और यह राजनीति का ये जो ऐलान हो रहा है, यह आज तक आजादी के 63 साल के बाद यह पहली एक ऐसी राजनीति पार्टी बनने जा रही है जो सभी सत्ताधारी पार्टियों से सबसे अलग है और सबसे ज्यादा जोश है। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हमारे बुजुर्ग तजुर्बेकार प्रशांत भूषण जी जैसे लोग हैं, आप जैसे युवा नौजवान और हमारी बहनें हैं। मैं अपने ये कहना चाहूंगी कि जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ये धरती हिंदू मुस्लिम, ये मातृभूमि की दो आंखें हिंदू मुस्लिम हैं, और यहाँ पर जो भी एक भी आंख को तकलीफ देगा, दूसरी आंख को भी तकलीफ होगी और वो रोएगा। तो हम इस देश के जितने भी शहीदों हैं, अब शहीदों को मानने वाले हैं, ये शहीदों की जो फोटोएं लगी हैं, ये शहीदों की फोटोएं नहीं है, ये इन सारी फोटो हम सारे क्रांतिकारियों के दिलों में बैठी हैं। इन्हीं की रिलीज की वजह से हम लोग ये ऊर्जा लेते हैं। इस देश में जो भी सब कुछ अब तक सत्ताधारियों ने किया है, इसीलिए आज देश की जनता
पर ये जो हम लोगों ने क्रांतिकारी की मशाल जलाई है अब कभी भी बुझने नहीं पाएगी। हर घर से हर बच्चा पैदा होगा और सिर्फ हिंदुस्तानी होगा इंशाल्लाह ताला।